नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज। मैं स्वाति। रीवा जिले में लंबे समय से चोरी की घटनाओं में इजाफा हुआ है। शायद ही कोई ऐसा दिन होगा जिस दिन चोरी की घटनाएं घटित ना हो। 30 थाना क्षेत्रों के बीच में लगभग प्रतिदिन एक दर्जन चोरी की घटनाओं से जहां क्षेत्र के लोग भयभीत हैं, वहीं पुलिस के लिए भी बदमाश चुनौती बने हुए हैं। कंट्रोल रूम में पुलिस ने आधा सैकड़ा चोरियों का खुलासा किया है, जिसमें 4 आरोपी को गिरफ्तार भी किया गया है। उक्त आरोपियों ने विश्वविद्यालय मऊगंज सेमरिया समान गुड़ गोविंदगढ़ चौराहा और सतना जिले में चोरी की वारदातों को कबूल किया है। बताया जाता है कि आरोपियों से पुलिस ने सोने चांदी के जेवर और नकदी बरामद की है। पकड़े गए आरोपियों में वीरेन गोंड पिता रणवीर गोंड उम्र 28 वर्ष निवासी सरवनपुर बांधा थाना रामपुर बघेलान जिला सतना, सैलेन गोंड पिता दिलीप गोंड उम्र 27 वर्ष निवासी हरदी महादाड़ी थाना गुड़ जिला रीवा, जितेन पिता संतोष गोंड उम्र 25 वर्ष निवासी डिगरहट थाना रामपुर बघेलान जिला सतना, और सूरज गोंड पिता वीरेन गोंड उम्र 27 वर्ष निवासी डिगरहट थाना रामपुर बघेलान बताए जाते हैं, जिनसे पुलिस ने सोने चांदी के जेवरात, नकदी लगभग 9 से 10 लाख रुपए का सामान बरामद किया है। दरअसल लगातार क्षेत्र में हो रही चोरियों से पुलिस की जमकर छिछालेदार हो रही थी, जिसके लिए एक टीम गठित की गई थी जो अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मऊगंज के नेतृत्व में कार्य कर रही थी। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया, जिससे सघनता से पूछताछ पर आधा सैकड़ा चोरियों का खुलासा हुआ है। आपको सुनाते हैं पकड़े गए आरोपियों और चोरी की घटनाओं के संबंध में पुलिस अधिकारियों ने क्या जानकारी दी है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज हमारे दोनों एडिशनल एसपी साहबान ने जो टीम बनाई थी, उन टीम को एक सफलता मिली है। पूर्व में भी इसी प्रकार की बड़ी संख्या में चोरियां ट्रेस की गई थी। लगभग 80 चोरियों के आसपास चोरियां ट्रेस हुई थी और एक गैंग का पूरा खुलासा हुआ था। उस गैंग के कुछ बिखरे एलिमेंट या ये कह सकते हैं वो साथी जो अभी उस दौरान पुलिस की पकड़ धकड़ से भाग गए थे, तो अब वो दोबारा हमारे रडार में आए हैं और उनमें से अभी 4 लोगों को हमने अरेस्ट किया है और इनसे जो माल बरामद हुआ है वो अभी आपके सामने है। हमारे ज़िले की 30 चोरियां जो विभिन्न थाना क्षेत्रों की हैं, जो कि आपको प्रेस नोट में लिस्ट में दिया गया है, उनकी जानकारी इनसे मिली है। साथ ही साथ अभी पूछताछ में उन्होंने सतना जिले में भी लगभग 20-21 चोरियों के आसपास की जानकारी दी है। हमने इसकी इंफॉर्मेशन सतना पुलिस को भी दे दी है। उनकी टीम आकर इनसे अभी पूछताछ करेगी और इनसे इंटरोगेशन के दौरान उनकी संख्या और भी मुझे लगता है बढ़नी चाहिए। वो लोग भी अपने इसको रिमांड पर लेंगे आरोपियों को और अपने रिकवरी करेंगे, तो इससे क्षेत्र में हमारे काफ़ी संख्या में चोरियों पर भी अंकुश लगेगा और जो लोगों के साथ घटना हुई थी उनको भी उनका सामान वापस करके पुलिस अपने ड्यूटी को निभाने का एक एग्जाम्पल पेश करेगी। जो टीम ने इतना अच्छा काम किया है, बड़ी संख्या में इतनी चोरियाँ ट्रेस की हैं, उसके अकॉर्डिंग इनको हम लोग कैश रिवार्ड भी देंगे इस टीम के सभी मेंबर्स को। और इन सब की जो चोर हैं मिले हैं, इनकी गैंग हिस्ट्री शीट हम लोग खोलेंगे, जिससे गैंग के रूप में ऑपरेट करते हैं, गैंग में किस साथी का क्या रोल रहता है, उस सब पर हम लोग अभी काम कर रहे हैं। अभी इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ है और हमें आशा है कि अभी और पूछताछ में और भी डेवलपमेंट होंगे तो हम आप लोगों को शेयर करेंगे।